दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों मेरे वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को भी क्लिक करें। एक्चुअली होता क्या है ना कि सब लोग रेडमी एंड सारे स्मार्टफोन्स का वेट करते हैं, रियलमी के सारे सबका। मैं इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन का वेट करता हूँ। क्यों? क्योंकि यार यूट्यूबर हूँ, गरीब आदमी हूँ, मुझे व्यूज चाहिए और मैं उसके ऊपर वीडियोज बनाता हूँ। और मुझे पता नहीं क्यों इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन्स के जो वीडियोज होते हैं उस पर व्यूज बहुत अच्छे मिलते हैं। पर इस बार एक और आ गया है और स्पेसिफिकेशन लीक हो गया। एक्चुअली इन्फिनिक्स के स्मार्टफोन भी बहुत अच्छे होते हैं। एक्चुअली रिसेंट टाइम में जितने अच्छे स्मार्टफोन लोगों ने बनाया दोस्तों, अगर आप इन्फिनिक्स नोट 5 को देखोगे तो फुल एचडी प्लस का डिस्प्ले, 4500 एमएच की बैटरी, बहुत सारी चीजें आपको 7000-8000 में मिल रहा है। पहले वो 12000 में कुछ लॉन्च होता है, लेकिन अभी 7000-8000 में आ रहा है। इन्फिनिक्स स्मार्ट 3 प्लस 7000 में ट्रिपल कैमरा दे रहा है आपको, देन उसके साथ और भी चीजें, फिंगरप्रिंट स्कैनर भी उसमें, वाटर ड्रॉप नॉच है। देन उसके बाद इन्फिनिक्स का S4 आया था, 9000 रुपए में ट्रिपल कैमरा दे रहा था एंड बहुत सारी चीजें, 4000 एमएच की बैटरी। इन्फिनिक्स हॉट 7 को कैसे भूल सकते हैं, हॉट 7 प्रो दोस्तों, 6GB रैम आपको 9000 रुपए मिलता था। अब आ रहा है दोस्तों इन्फिनिक्स का हॉट 8। ये स्मार्टफोन लॉन्च होने वाला है 4th of September को एंड इसमें कुछ चैलेंज ले लिया है इन्फिनिक्स ने, डेयर टू बीट का चैलेंज है कि मतलब इसके स्पेसिफिकेशन को बीट करके दिखाओ इस प्राइस पे। 7000 रुपए पे आने वाला है और क्या स्पेसिफिकेशन आने वाले हैं, सॉरी थोड़ा सा लंबा हो गया इंट्रो, लेकिन क्या स्पेसिफिकेशन आने वाले वो पता चल गया दोस्तों, क्योंकि अभी उन्होंने रिवील नहीं किया लेकिन लीक से पता चले हैं सारी चीजें। एक रिवील किया है, बाकी सारी चीजें अभी तक बाकी हैं, लेकिन सारी चीजें पता चली हैं दोस्तों, वही बताने वाला इस वीडियो में। चलते हैं सीधे वीडियो की तरफ। पसंद आया तो लाइक कमेंट और शेयर कर देना, नहीं पसंद आया डिसलाइक करना, मुझे बताना क्यों पसंद आया दोस्तों। लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर इन्फिनिक्स की माने तो उन्होंने जो टीजर अभी तक डाला हुआ है दोस्तों, उसमें चार चीजें बताई हैं उन्होंने कि हम डेयर टू बीट चैलेंज है, यानी इस स्पेसिफिकेशन को 7000 पे जो दे रहे हैं अभी तक किसी ने दिया भी नहीं। अब एक्सपेक्ट मिलना क्या, कोई एक्सपेक्ट भी नहीं करता कि वो चीजें मिलेंगी आपको। एक बड़ा डिस्प्ले मिलने वाला है, लोग 6 इंच का एक्सपेक्ट कर रहे थे तो उससे बड़ा दे रहे हैं, 4000 का एक्सपेक्ट कर रहे थे बैटरी उससे बड़ा दे रहे हैं। देन उसके बाद कैमरा, लोग ड्यूअल कैमरा एक्सपेक्ट कर रहे थे वो ज्यादा दे रहे हैं, तो क्या दे रहे हैं वो इस वीडियो में बनाने वाला हूँ दोस्तों। सबसे पहले डिजाइन और डिस्प्ले से स्टार्ट करें तो यहाँ पे आपको 6.3 इंच का जो लीक पता चला है, अच्छा पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना क्योंकि मुझे लीक पता चला है, अभी ये नहीं पता है क्या है, लेकिन जो चीजें पता चली हैं वो बता रहा हूँ कि 6.3 इंच का आपको HD प्लस का डिस्प्ले आने वाला है। 720x1520 का रिजोल्यूशन होगा, 19.5:9 का एस्पेक्ट रेशियो होगा, HD प्लस का होगा, लेकिन कह रहे हैं कि IPS LCD का नहीं TFT का डिस्प्ले होने वाला है। अब देखते हैं जो आएगा वो बाद में पता चलेगा, लेकिन वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आएगा। रियर साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा आने वाला है, फिंगरप्रिंट स्कैनर शायद इस बार न हो, ऐसा कहा जा रहा है कि शायद इस बार ना हो। देन उसके बाद इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग है सारी चीजें अच्छी हैं, लेकिन आपको 6.3 इंच से बड़ा हो गया तो 6.3 इंच का इस बार डिस्प्ले मिलने वाला है दोस्तों, वाटर ड्रॉप नॉच के साथ। प्रोसेसर की बात करें तो इसमें मीडियाटेक का हीलियो P22 का प्रोसेसर आ रहा है, ऑक्टा कोर है, 12 NM पे बेस्ड है, एंड 8 कोर जो है दोस्तों कोटेक्स A53 वाले कोर्स हैं जो कि 2 GHz पे क्लॉक में अच्छा है, पावर VR की GPU के साथ आता है। देन उसके साथ चीता OS जो उनका खुद का होता है उसके पे आने वाले, जो कि एंड्रॉइड 9 पाई के ऊपर बेस्ड होगा, तो परफॉर्मेंस भी आपको ठीक ठाक मिल जाएगा। 7000 के हिसाब से तो P22 अच्छा है दोस्तों। ट्रिपल कैमरा आने वाला है, जैसा उन्होंने कहा है कि 2 कैमरा से ज्यादा देने वाले, यानी ट्रिपल कैमरा देंगे जो मैं पहले भी आपको बता चुका हूं। और ट्रिपल कैमरा में होगा क्या, रियर साइड पे आपको 3 कैमरास मिलेंगे जिसमें 13+, 2+ एक नाइट सेंसर होगा। आपको कोई सेंसर नॉर्मली वो 2 MP 5 MP नहीं मिलने वाला है, 13 MP का कहा जा रहा है, हाँ हो सकता है गलत हो, लेकिन जो लीक्स आए उससे पता चला है कि 13 MP का प्राइमरी सेंसर होगा, 2 MP का डेप्थ सेंसर होगा, एक नाइट सेंसर मिलेगा। जैसा आपको मालूम है स्मार्ट 3 प्लस में दिया था, हाँ उसमें आया था, वैसा ही आने वाला है, नाइट सेंसर होगा। मेन प्राइमरी सेंसर का अपर्चर F1.8 के आसपास होने वाला है, तो सेम वही कैमरा देने वाले हैं। और फ्रंट साइड में भी कहा जा रहा है कि इसमें 8 MP का कैमरा आएगा जिसका अपर्चर F2.0 का होगा। रियर साइड से और फ्रंट साइड से दोनों से 1080 रिजोल्यूशन वाले वीडियो निकाल सकते हो। AI इनेबल्ड होगा, यानी बहुत सारे AI के फीचर्स आपको मिलने वाले हैं, बुके वुके सब मिल जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, तो अच्छा है। सेंसर्स ठीक ठाक होने वाले हैं 7000 के हिसाब से। बात करें बैटरी की तो अगर आप देखोगे उनका टीजर तो उसमें जो बैटरी है उसमें 5 पॉइंट दिए हुए हैं दोस्तों, तो बताया जा रहा है 5000 mAh की बैटरी है, 4000 की नहीं 5000 mAh की बैटरी आएगी जो कि आपको 5 वोल्ट के चार्ज के साथ आएगी, यानी 5000 mAh की बैटरी चार्ज करते करते 3-3.5-4 घंटे लग जाएंगे ज्यादा। 10 वाट का चार्जर तो इस प्राइस पे एक्सपेक्ट नहीं करना, थोड़ा सा गुना ही हो जाएगा, लेकिन आपको 5000 mAh की बैटरी आने वाली है, 4000 ज्यादा का है तो 5000 mAh की एक्सपेक्ट करो। एंड उसके साथ USB 2.0 का पोर्ट मिलेगा जो कि अच्छा है मेरे हिसाब से। सेंसर्स की बात करें तो सेंसर्स में आपको बहुत सारी चीजें मिस करनी पड़ेंगी, फिंगरप्रिंट स्कैनर, उसके बाद जायरोस्कोप, ये दोनों चीजें तो मेन है जो मेन करनी मिस करनी पड़ेंगी आपको, जहां से प्राइस कट कर सकते हैं वो लोग। देन उसके बाद बाकी सारे छोटे मोटे सेंसर जो जरूरी होते हैं वो आपको मिल जाएंगे। डेडिकेटेड या हाइब्रिड होगा ये अभी तक नहीं पता चला है, लेकिन वेरिएंट एक ही आने वाला है जैसा कह रहा हूं कि इस प्राइस पे 7000 रुपए में आपको 4GB रैम और 64GB स्टोरेज देने वाले हैं दोस्तों, जो कि फिक्स है 7000 रुपए प्राइस होगा उसका। जैसे 9000 में 6GB रैम लाए थे वैसे ही अब 7000 में 4GB रैम लेकर आए हैं। लोग 2GB 3GB देते हैं, 3GB बहुत कम लोग देते हैं नए मॉडल में, ये लोग 4GB दे रहे हैं जो कि एक अच्छी चीज़ है मेरे हिसाब से, सच में दोस्तों बहुत अच्छा काम किया हुआ है।
तो कैसा लगा आपको स्मार्टफोन अगर ये स्पेसिफिकेशन के साथ आता है तो जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में लिख के कैसा लगा वीडियो। मैं स्मार्टफोन के बारे में सोच रहा हूँ लेकिन स्पेसिफिकेशन सच में जिस प्राइस पे आ रहा है 7000 के हिसाब से मुझे बहुत कमाल का लगा एंड बीट करने के लिए तो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। देखते हैं क्या लेकर आते हैं। मैं फिर से कह रहा हूँ स्पेक्स जो मुझे मिले हैं वही मैंने बताया है और इसे पिंच ऑफ सॉल्ट की तरह लेना, ज़्यादा सीरियस मत लेना। देखते हैं 4 तारीख को तो रिवील हो ही जाएगा क्या आने वाला है, लेकिन जितना मुझे अभी तक पता चला है कि ये सारी चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। कैसा लगा वीडियो, कैसा लगा स्मार्टफोन जरूर बताइए। पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, नहीं पसंद आए डिसलाइक कीजिए, मुझे बताइए कि नहीं पसंद आया। और भी बहुत सारे वीडियोज़ जिन्हें चेक कर सकते हो और मुझे सपोर्ट भी कर सकते हो, सपोर्ट करने खास नहीं करना है, साइड में देखो बैठे में जो उस पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो। दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए करने के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।